ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे अधिक मास की पूर्णिमा के बारे में। अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा 1 अगस्त 2023 को, यानी कि मंगलवार के दिन। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 1 अगस्त को सुबह 3:51 पर, मतलब बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में तिथि प्रारंभ होगी, और पूर्णिमा की तिथि समाप्त होगी 1 अगस्त को ही रात्रि में 12:01 पर। तो जैसे कि हर बार पूर्णिमा पर होता है लगभग अक्सर ही कि एक दिन व्रत धारण करते हैं, अगले दिन स्नान दान की पूर्णिमा होती है, लेकिन इस बार बहुत शुभ संयोग है क्योंकि एक ही दिन की पूर्णिमा है। सुबह से लेकर, मतलब सूर्योदय से पहले पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है और रात्रि में 12:01 पर समाप्त होगी। तो स्नान दान, दीप दान, व्रत इत्यादि सारे जो कार्य होते हैं पूर्णिमा के, पितरों के लिए भी तर्पण इत्यादि जो किए जाते हैं, वो सभी चीज़ें एक ही दिन की जाएंगी, मंगलवार के दिन 1 अगस्त को। अगर आप सत्यनारायण की कथा करवाना चाहते हैं तो इसी दिन, मतलब 1 अगस्त को ही आप सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं किसी ब्राह्मण को बुलाकर, या फिर चाहें तो स्वयं भी कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास समय हो, लेकिन शुद्धता के साथ पूरे श्रद्धा भाव से परिवार सहित मिलकर भगवान सत्यनारायण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। फिर उसके बाद भोग इत्यादि अर्पित करके, पंचामृत अर्पित करके, और इसके बाद कथा का पाठ करके आप प्रसाद वितरण कीजिए। और हाँ, कथा का पाठ अगर आप स्वयं भी करते हैं तब भी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री अवश्य निकालिए, और ये दान किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को दक्षिणा के साथ, और इसी के साथ जो आपने प्रसाद अर्पित किया है उसमें से कुछ प्रसाद रखकर फिर ब्राह्मण को दान कर दीजिए, तभी आपको आपके किए गए पाठ का संपूर्ण फल मिलता है। तो अगर आप स्वयं भी पाठ करते हैं तो दान करना आवश्यक है। और अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अब सबके लिए ऐसा संभव तो हो नहीं पाता है, तो अपने घर में भी आप चाहें तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। कोशिश कीजिए सुबह जितनी जल्दी हो सके उठकर स्नान कर पाएं, मतलब सूर्योदय से पहले कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा। और हाँ, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। फिर स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की, माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। प्रथम पूज्य गणपति देवता हैं तो सबसे पहले उनकी पूजा की जाएगी। फिर घर के मंदिर में जो भी विराजित देवी देवता होते हैं सबकी पूजा की जाती है। उसके बाद आप कोई विशेष पूजा करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो सबसे पहले घर के मंदिर में जो प्रतिदिन की पूजा होती है वो करना चाहिए। फिर उसके बाद लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति अगर आपके घर में है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। शुद्ध जल में हल्दी मिलाकर भी कर सकते हैं। तो लक्ष्मी और नारायण का अभिषेक करने के बाद उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए। माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु को पीला वस्त्र अर्पित करना चाहिए। फिर धूप, दीप, अक्षत इत्यादि जो भी आपके पास वस्तुएं उपलब्ध हैं उसी से विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। अच्छा, अब चाहें तो आप आज के दिन, जैसे पूर्णिमा तिथि विशेष होती है लक्ष्मी और नारायण की आराधना करने के लिए, तो आप क्या करेंगे कि एक चौकी स्थापित करके भी भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को उसी चौकी पर स्थापित करके फिर विधि विधान से कलश की स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चौकी की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो घर के मंदिर में जहाँ पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी विराजित हैं वहाँ पर भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अब अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए, अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर और भगवान श्री हरि विष्णु से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, आज मैं पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण कर रही हूँ या धारण कर रहा हूँ, व्रत मेरा, पूजा मेरी स्वीकार कीजिए। जाने अनजाने व्रत में, पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण करते हैं तो अपनी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु से कह सकते हैं। अगर कोई मनोकामना नहीं है तो आप निष्काम भाव से सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रीति की प्राप्ति के लिए और उनकी कृपा के लिए आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाता है। और फिर दिन भर व्रत धारण करने के बाद शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आप एक पात्र ले लीजिए। पात्र आप चाहें तो चांदी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, कोई और पात्र ना हो तो आप स्टील का भी ले सकते हैं, मतलब अगर नहीं है उपलब्ध कोई और धातु का पात्र तो स्टील का पात्र भी ले सकते हैं। उसमें आपको सबसे पहले थोड़ा गंगा जल डालना है, फिर कच्चा दूध डाल दीजिए और इसी पात्र को जल से भर दीजिए। फिर इसमें आपको थोड़ा सा अक्षत डालना है,
थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए और सफेद पुष्प डालकर या पीले पुष्प डालकर चंद्रदेव को देखते हुए उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। अब अगर चंद्रमा आपके घर से दिखाई नहीं देते हैं तो अपने घर में जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं वहीं पर एक पात्र रख लीजिए। उसी पात्र में चंदन से या फिर रोली से चंद्रमा की आकृति बना लीजिए। फिर चंद्रदेव का ध्यान करते हुए उस पात्र में ही आप अर्घ्य दे सकते हैं। और हाँ, पूजा पूर्ण करने के बाद उस जल को आप चाहें तो किसी भी गमले में डाल सकते हैं, कच्ची मिट्टी में डाल सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम चंद्रमसे नमः। चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय है, नोट कर लीजिए, 1 अगस्त को शाम 7:10 पर। हो सकता है आपके यहाँ चंद्रमा थोड़े पहले या थोड़े बाद में दिखाई दे, मतलब चंद्रोदय समय में अंतर हो सकता है शहर के हिसाब से। तो आपके यहाँ जब चंद्रमा उदित होंगे उसी समय आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और अगर आपके यहाँ चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं तो जो चंद्रोदय समय मैंने आपको बताया है उसी समय में आप चंद्रमा को ध्यान करके बिना देखे भी अर्घ्य दे सकते हैं। तो जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। अब देखिए, कल है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के दिन बहुत विशेष कार्य और भी होते हैं जो करने चाहिए, जैसे कि तुलसी की पूजा। सुबह भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद तुलसी की पूजा अत्यंत आवश्यक है। तो तुलसी में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना है। और हाँ, बहुत सारा दूध तुलसी में नहीं अर्पित किया जाता है। आप एक जल के पात्र में 1 या 2 बूंद या फिर आधा चम्मच दूध डाल दीजिए और इस जल के पात्र को तुलसी की जड़ में अर्पित करके थोड़ी सी हल्दी भी जड़ में अवश्य अर्पित कीजिए। और इसके बाद धूप दीप अर्पित करके विधि विधान से तुलसी की पूजा कर लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए। और जितना हो सके भगवान श्री विष्णु के मंत्र का आज के दिन जप करना चाहिए। माँ तुलसी की पूजा करते समय आप चाहें तो तुलसी के किसी मंत्र या स्तोत्र का भी जप कर सकते हैं, जैसे कि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। या फिर कोई भी छोटा सा मंत्र जैसे कि ओम तुलसी देव्याय नमः, इस प्रकार से। तो अपनी इच्छा के अनुसार कोई ना कोई मंत्र जप करते हुए तुलसी की पूजा कर लीजिए। अब आज पूर्णिमा है तो पीपल की पूजा भी अत्यंत आवश्यक है। तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष है तो पीपल के वृक्ष में आज मीठा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए। अच्छा, कच्चा दूध ना हो आपके पास तो सिर्फ जल भी अर्पित कर सकते हैं, मतलब जल में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, रोली डाल दीजिए, अक्षत डालकर और पुष्प इत्यादि लेकर विधि विधान से, मतलब जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी के द्वारा पीपल की पूजा कर लीजिए। और वहां पर एक तिल तेल का या फिर शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए 4 बार या फिर 7 बार पीपल की परिक्रमा कर लीजिए। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी और नारायण का संयुक्त वास होता है। तो आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने का ये विशेष दिन होता है अगर आप आज के दिन पीपल की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी को स्मरण करते हैं और अगर संभव हो तो श्री सूक्त का पाठ पीपल के वृक्ष के नीचे करते हैं तो निश्चित ही आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या फिर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का प्रिय मंत्र जो होता है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का कुछ संख्या में अपनी इच्छा के अनुसार जप कर सकते हैं। और पूर्णिमा तिथि के दिन जो सबसे विशेष कार्य किया जाता है चंद्रमा की पूजा। तो चंद्रमा की पूजा आपने कर लिया, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आपने कर ली, लेकिन चंद्रमा विराजित कहाँ होते हैं? भगवान शिव के मस्तक पर। तो देवों के देव महादेव की पूजा के बिना तो पूर्णिमा की पूजा अधूरी ही मानी जाती है, इसलिए शिवलिंग का अभिषेक अवश्य कीजिए। और हाँ, पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से जो भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है दूध से किया जाता है। कच्चा दूध होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए। गाय का दूध मिल जाए अत्यंत श्रेष्ठ है, गाय का ना मिले तो क्या करें। तो फिर ऐसे में आपके पास जो भी दूध उपलब्ध हो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पात्र आप लेंगे उसमें गंगा जल डाल दीजिए, फिर आप जो दूध आपके पास है वो दूध डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी दूध हो लेकिन कच्चा होना चाहिए। पहले गंगा जल जब आप डाल देते हैं उसके बाद जब आप दूध डालते हैं तो वो दूध अपने आप में गंगा के समान ही पवित्र हो जाता है। और अब इसी पात्र में आपको थोड़े से अक्षत के दाने लेने हैं, जो कि बिल्कुल भी खंडित ना हो चावल, वैसे दाने। और उसी पात्र में आपको थोड़ा शक्कर डालना है, एक सफेद पुष्प डालना है, बिल्व पत्र हो तो बिल्व पत्र अलग से ले लीजिए, पात्र में डालने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये 4 चीजें, दूध, कच्चे चावल, सफेद पुष्प और शक्कर, ये 4 चीजें एक पात्र में डाल दीजिए। जल से इस पात्र को भर दीजिए और शिवलिंग पर इसे अर्पित कर दीजिए। इसके बाद शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। इसके बाद भांग, धतूरा, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है उसी से विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। सफेद चंदन आज के दिन भगवान शिव को अवश्य अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि पर अगर हम सफेद चंदन भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो जीवन में शांति आती है, सुख समृद्धि आती है। और हाँ, चंद्रमा अगर पीड़ित है आपकी जन्म कुंडली में, राहु केतु के साथ है या फिर राहु केतु से दृष्ट है, तो ऐसे में मानसिक अशांति अगर आपके जीवन में बनी हुई है
तो आपको ये उपाय हर पूर्णिमा पर जरूर करना चाहिए। और अब जो विशेष पूजा होती है पूर्णिमा की, वो शक्ति की आराधना होती है। आप चाहे लक्ष्मी के स्वरूप में करें, दुर्गा के स्वरूप में करें, सरस्वती के स्वरूप में करें, लेकिन देवी की पूजा आज के दिन जरूर करनी चाहिए। तो अपने घर के मंदिर में अगर दुर्गा जी विराजित हैं तो उनकी पूजा कर लीजिए। घर के आसपास कहीं पर दुर्गा मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर है या फिर कोई भी देवी मंदिर है तो वहां जाकर दीप दान कीजिए और माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित कीजिए। फिर आप चाहें तो फल या मिठाई इत्यादि भोग भी अर्पित कर सकते हैं, प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। देखिए, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करना चाहिए, दान करना चाहिए। अब देखिए, पूर्णिमा तिथि है तो दान करना तो अत्यंत आवश्यक है। तो दान किन चीज़ों का आप कर सकते हैं? दान तो आप किसी भी वस्तु का कर सकते हैं जो आपकी सामर्थ्य में है, लेकिन एक जनसाधारण जो कि बहुत कुछ दान नहीं कर पाते हैं, आम आदमी जो कि बहुत अधिक दान नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक बहुत छोटा सा दान मैं आप लोगों को बताती हूँ हर वीडियो में। खीर की सामग्री का दान कर दीजिए या फिर खीर बनाकर भी किसी मंदिर में या किसी पुजारी को या किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। चाहे तो थोड़ी सी खीर आप किसी कन्या को भी खिला सकते हैं, मतलब एक कटोरी खीर का दान भी किया जा सकता है। इतना छोटा सा दान भी आपको उतना ही लाभ देगा। और अगर आप चाहें तो खीर की कच्ची सामग्री जैसे कि थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा चावल, अपनी इच्छा के अनुसार क्वांटिटी आप रख सकते हैं और फिर आप ये सामग्री किसी मंदिर में या किसी पुजारी को दान कर दीजिए। और हाँ, अगर आप खीर की कच्ची सामग्री का दान करते हैं तो ऐसे में आपको इसके साथ दक्षिणा भी अवश्य रखनी चाहिए। और हाँ, आज पूर्णिमा तिथि है तो घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाइए। थोड़ी सी हल्दी और रोली लेकर घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाकर और उनका पंचोपचार विधि से धूप दीप दिखाकर पूजन कर लीजिए। घर के मुख्य द्वार पर जब हम स्वास्तिक बना देते हैं तो गणेश को अपने मुख्य द्वार पर स्थापित कर देते हैं। और भगवान गणेश रक्षक है, हर प्रकार की विघ्न बाधाओं से आपकी रक्षा करते हैं, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा करते हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में ना आए इस बात का वो ध्यान रखते हैं। तो इसलिए कोई भी शुभ दिन आता है तो घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाइए और स्वास्तिक बनाने के बाद उसकी पूजा भी जरूर कीजिए, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा के बिना आप उनको स्थापित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में स्वास्तिक को कहा गया है भगवान गणेश की लेख्य प्रतिमा, मतलब अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है तो सिर्फ स्वास्तिक बनाकर और भगवान गणेश मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं, यही गणपति हैं। आज के दिन आपको अपने घर में शुद्ध जल का छिड़काव करना चाहिए। गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव कर सकते हैं, गोमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं या फिर जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर इससे भी पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। इससे घर का शुद्धिकरण हो जाता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा वास कर जाती है, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, तो ये कार्य आपको जरूर करना है। तो अधिक मास की पूर्णिमा से संबंधित ये जानकारी मुझे लगता है आपके लिए उपयोगी होगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। और हाँ, इस चैनल पर अपलोड होने वाली शिव पुराण की कथाएं अगर आप अब तक नहीं सुन पा रहे हैं तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि सावन के महीने में अगर आपने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी तो ऐसे में श्रावण मास का संपूर्ण फल आपको नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है सावन का महीना। इसलिए या तो स्वयं से शिव पुराण की कथा का पाठ कीजिए या फिर इस चैनल पर प्रतिदिन 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है तो आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। और हाँ, अगर आप पुरानी वीडियोज नहीं देख पाए हैं तो ऐसे में प्लेलिस्ट बनी हुई है शिवपुराण के नाम से, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो एक एक करके भी देख सकते हैं। और हाँ, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।